हेलो व्यूअर्स, मैं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एक चीज़ देखने जा रहे हैं जो मैंने अमेजोन से मंगवाया था, तो देखते हैं वो कैसा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो का अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं है क्या। तो ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, ये है कार का 3D फ्लोर मैट। तो इसको मैंने पहले ही खोल दिया है, इनबॉक्स अनबॉक्सिंग या क्या होगा ये, हाँ अनबॉक्सिंग होगा शायद। तो उसमें पॉलिथीन फाड़ के दिखाने से क्या है, कुछ तो अलग तो है नहीं। तो मैंने इसको पहले ही खोल लिया था, तो खोल के देखते हैं आप लोगों के लिए, मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए। ऊपर में ये पॉलिथीन लगा के रखा है, इसको हटा देते हैं। तो ये है, अमेजोन से मैंने मंगवाया था, ये है गाड़ी का फुट मैट या फ्लोर मैट, 3D बोलते हैं इसको। ज्यादातर लोगों को पता ही होगा ये है क्या। 3D मतलब ये कुछ बर्तन जैसा है, बर्तन नुमा शेप का है। अमेजोन से मैंने खरीदा था और इसका प्राइस आया था मुझे लगभग 1000 रुपये, यानी 999 रुपये, 999, 1000 ही है। तो ये मंगवाया था क्योंकि क्या होता है, पीछे का जो मैट है, मेरे मैट में आप देखिएगा वीडियो में बाद में, वो ग्रास मैट ला कर रखा था, जब भी पैर रखते हैं पीछे वाले लोग, ये फिसल फिसल के आगे चला जाता है। तो क्या होता है, यहाँ का मैट एक्सपोज हो जाता है, जो पुराना जो कारपेट है, गाड़ी का ओरिजिनल कारपेट एक्सपोज हो जाता है इधर में, और यहाँ पे पूरा धूल मिट्टी जमा हो जाता है। तो इसको मैंने लगाने का सोचा। तो देखते हैं सामान कैसा है, कुछ इस तरह का कुछ फोम जैसा है सामान, सॉफ्ट है ये मटेरियल, पता नहीं कितना दिन जाएगा। और इसमें मैं और एक काम करूंगा सोच रहा हूँ, जो पुराना वाला जो ग्रास मैट है इसको काट के मैं बीच में डाल दूंगा, तब मतलब जो भी धूल मिट्टी हो जूतों में, वो मतलब AC चलाने या इधर उधर ना बिखर पाए, मतलब ना इधर उधर नहीं जाए, उसके लिए मैं वो लगा दूंगा इसमें ग्रास मैट काट के। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं कितने हैं। 5 पीसेस, 1, 2, 3, 4 और ये 5 पीसेस। तो ये हो गया आपका ड्राइवर साइड का, ये एक मेटल का प्लेट जैसा दिया है, ये फुट थोड़ा छेद कर करके ये मेटल का प्लेट जैसा है, इसमें थोड़ा रबर जैसा भी है, ताकि मतलब यहाँ पे वो पैर जब रहेगा ना एक्सीलरेटर और ब्रेक के लिए, क्योंकि राइट फुट जो है वो हमेशा एंगेज ही रहता है, तो ये खराब नहीं होने के लिए यहाँ पे दिया है, क्योंकि जूता का हील जो है वो यहाँ पे रहता है और वो फुट मैट को खराब कर देता है, तो उसके लिए ये दिया है। और ये है आपका को ड्राइवर साइड या ड्राइवर साइड के बगल में जो बैठते हैं उसके लिए, और ये वाला और वो वाला पीछे के लिए, और ये बीच में सेंटर कंसोल का जो हम्प होता है उसके लिए। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं गाड़ी में, ये फिट बैठता है कि नहीं। तो ये है गाड़ी, काफी गंदी है, तो कमेंट सेक्शन में गालियां मत देना गाड़ी गंदी है बोल के, क्योंकि कल परसों में इसको धुलाने वाला हूं। तो चलो देखते हैं, काफी गंदी है गाड़ी, और ये है ड्राइवर साइड का। तो चलिए पहले इसमें लगा के देखते हैं यहाँ पे कौन सा बजता है। फिट इसका कितना अच्छा होता है देखते हैं। फिटिंग तो इस तरफ अच्छा ही हुआ है को ड्राइवर के साइड में, दूसरी ओर देखते हैं। इधर और मैं ये बताने और ये मैं बताना भी चाहता हूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपना पैसा खर्चा करके इसको लाया हूं अपने लिए, तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो इस तरह भी फिटिंग अच्छा से हो गया है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा और ऊंचा देने से ठीक था,
ये थोड़ा और अगर ऊंचा देता ना तो ठीक था, ये भी गंदा नहीं होता, लेकिन फिर भी ठीक ही है इस तरफ। और पीछे वाला जो मैं मामला बता रहा था आप लोगों को, क्या होता है यहाँ पर जब लोग पैर रखते हैं ना, और इधर बात क्या होता है, ये आगे रखते रखते आगे चला जाता है और इधर पूरा गंदा हो जाता है, इधर पूरा गंदा हो जाता है, इसीलिए ये बकेट जैसा लाया हूँ उसको। तो चलिए आगे का भी, ओ सॉरी, तो चलिए पीछे का भी लगा के देखते हैं कैसा होता है, थोड़ा सीट आगे कर लेते हैं। तो ये है, इसको निकाल दिया है, बहुत गंदा है, फिर से बोल रहा हूँ गालियां मत देना, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, धुला लूंगा गाड़ी को। चलिए इधर पे रख के देखते हैं, इस तरफ फिटिंग तो इतना अच्छा नहीं हुआ है। और दूसरा वाला, फिटिंग इतना अच्छा नहीं हुआ है इस तरफ में भी, थोड़ा अच्छा होता तो अच्छा लगता है। ये थोड़ा काट के भी मिला सकते, लेकिन फिर से सिलाना पड़ेगा, सिलाई करना पड़ेगा इसको। और बीच में रखने के लिए ये है, बीच का फिटिंग इतना अच्छा नहीं आया है इसका, फिर भी मेरे पास मतलब प्लान बी है, इसमें जो पुराना वाला था उसको काट के यहाँ पे बिछा देंगे। चलिए पैर हट के देखते हैं, ठीक ही है इस प्राइस रेंज में, अगर आप चाहते हैं तो खरीद सकते हैं इसको, तो ठीक है मेरे ख्याल से ये, अगर आप चाहते हैं इसको खरीद सकते हैं। और बाकी का ये, और आपको मैंने जो बोला वहां पे, वो एक मेटल का कुछ लगाया था ना प्लेट जैसा, ये वाला मेटल का प्लेट इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पे देखिए वो पैर रखते रखते ये सब खराब हो जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ का थोड़ा काट के मतलब उसका अंदर में लगा दूंगा ताकि गंदगी थोड़ा कम हो जाए। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का अंत तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।